वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन लर्निंग क्लासेस ब्लू बेल सेवरग्रीन एकेडमी ताजपुर बहराइच। मैं आप लोगों की डिमांड्स पे वीडियो डालता हूँ। ओके, एक बच्चे ने डिमांड किया, एक ने नहीं, कई लोगों ने डिमांड किया, सर इंटर लेवल का पढ़ाइए सिंटैक्स। तो सिंटैक्स डाल रहे हैं, कई पार्ट्स जाएंगे इसके। ओके, तो आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, अगर सिंटैक्स अब नहीं सीख पाए ना तो कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, पहले जानिए सिंटैक्स बोलते किसको है। ठीक, स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ड इज कॉल्ड सिंटैक्स। नोट कर लीजिए इसको, आखिर सिंटैक्स बोलते किसको है। ओके, स्टडी द आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब कला, पढ़ना, उसके पढ़ने की जो कला होती है, यूजिंग करेक्ट वर्ड, है ना, किस वर्ब का सही इस्तेमाल कहां पर किया जाए, इसका सिंटैक्स, उसी को सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, अच्छा होता क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का जो है एग्रीमेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को भी सिंटैक्स बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करवाते हैं। जानिए कैसे, एक एक कॉन्सेप्ट पे चलना। आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर वन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एकवचन में है तो उसका वर्ब जो क्रिया है वो भी सिंगुलर ही होगा। देखिए कैसे, जैसे राम इज गोइंग टू मुंबई, राम क्या है, सिंगुलर है, तो इस क्या है, इस भी यहां पर सिंगुलर होगा, राम यहां पे सिंगुलर है। ओके, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ओके, ऐसे एग्जांपल और देखिए, She was watching TV, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा यहां पे सिंगुलर, प्लूरल वाज का वर्ब होता है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर टू पे आइए, कॉन्सेप्ट नंबर टू और टू पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर टू, सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अगर तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉयज आर कमिंग टू स्कूल। अब बताइए बॉयज क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, बॉयज प्लूरल है, तो यहां वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। ओके, गर्ल्स देखिए मैंने यहां पे इज लगाया, गर्ल्स ये क्या है, प्लूरल है ना, लेकिन इस क्या है, सिंगुलर, यानी सेंटेंस अभी ये गलत है, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी यहां पे प्लूरल रहना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपने समझा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कॉन्सेप्ट नंबर टू आपने सीखा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, राम एंड श्याम, यहां पे मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं, इस आर,
गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम इज गुड फ्रेंड्स आर गुड फ्रेंड्स। अब आप बताइए क्या होगा, इज गुड फ्रेंड्स या आर गुड फ्रेंड्स। ओके, पहले फार्मूला देखिए इसका क्या होता है। अगर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन होता है, ओके, तो यहां पे वर्ब जो है वो होगा प्लूरल। क्यों होगा? इंग्लिश में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है, एकवचन और बहुवचन होता है। ओके, तो यहां पे एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, तो एक और एक मिलके कितने नाउन हो गए? दो नाउन। यानी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ इसका कि नहीं हुआ? इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ठीक वैसे इसे एक राम हो गया एक व्यक्ति, श्याम हो गया एक व्यक्ति, तो दोनों जुड़के कितने हो गए? दो व्यक्ति हो गए, तो प्लूरल हो गया ना। और हमने बताया सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और बताइए सब्जेक्ट इसका प्लूरल है कि नहीं है? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी इज गलत हो जाएगा। ओके, कभी भी याद रखिए नाउन एंड नाउन, नाउन प्लस नाउन करके आ रहा है, यानी दो व्यक्तियों का जिक्र वहां पे हो रहा है, यानी वो हो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। तो उसका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे? प्लूरल। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 यानी अभी तक तो आप बहुत भाई कोई भी होता है कहीं भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो पहला चढ़ेंगे दूसरा चढ़ेंगे इजी लगेगा, तीसरा चौथा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा टफ होता जाएगा। लेकिन अगर आपकी आत्मशक्ति मजबूत है ना तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर यानी यहां पे शुरू होते हैं फैक्ट्स, यहां पे शुरू होता है इंटरेस्ट, यहां पे शुरू होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान देना, राइस एंड पल्स इज सोल्ड आर सोल्ड इज माई फेवरेट डिश। ध्यान देना, राइस एंड पल्स आर सोल्ड, राइस एंड पल्स इज माई फेवरेट डिश। अब आप देख सकते हैं, अब बताइए पहला सीन या दूसरा सीन, राइस एंड पल्स आर सोल्ड आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से यानी यहां पे दो नाउन आ रहे हैं, दो नाउन आ रहे हैं, है ना, यानी नाउन प्लस नाउन, जब दो नाउन हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो आपके हिसाब से ये सही है। ओके, चलिए मैं भी कह रहा हूं सही, नाउन दो हो गए और यहां पे लगा है इज, आपके हिसाब से ये गलत हो गया लेकिन ये भी सही है। जानिए कैसे, इसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे जब समझौता नहीं तो एग्रीमेंट कैसा, जब समझौता ही नहीं हुआ तो सिंटेक्स कैसा? ओके, ध्यान देना। अब यहां पे आप ये देखिए, इसको बोलते हैं, हां ऐसा कब होगा, यहां पे नाउन एंड नाउन मिलकर, अगर ये पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंग, अगर ये एक दूसरे के अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, ओके, तो समझ जाइए कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों नाउन अगर अभिन्न अंग होते हैं, ओके, इनका जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है बहुत ही क्लोज होता है, ओके, अभिन्न अंग, अगर अभिन्न अंग होते हैं तो इसके साथ में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, सॉरी
सिंगुलर हो। जानिए कैसे, राइस एंड दाल आर सोल्ड। जब आप कहीं दुकानदार के पास जाते हैं, ध्यान देना, ये दुकानदार है, दुकानदार के पास आप गए दाल और चावल लेने, तो दुकानदार मान के चलिए कि यहां बैठा है, ओके, दुकानदार बैठा है, यहां पे रखा है राइस और यहां पे रखा है पल्स। आप कहेंगे मुझे दाल और चावल दे दो, आप बताइए वो दाल और चावल को इतने मिक्स करके देगा, नहीं देगा ना, आपको अलग अलग देगा ना। तो जब अलग अलग चीजें हैं तो दो नाउन प्लस नाउन, दो नाउन क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तब वहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से यानी वो दाल बेच रहा है ना, आर सोल्ड, यानी बेचा गया, पैसिव वॉइस में बेचा गया, राइस एंड पल्स आर सोल्ड, यानी दाल और चावल बेचे गए। यहाँ पे दाल और चावल अलग अलग है, यानी ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और देखिए, इज माई फेवरेट डिश, अब बताइए दाल और चावल अगर मेरा फेवरेट डिश है, मेरा सबसे अच्छा खाना है, तो आप बताइए पहले चावल खा लेंगे तब दाल बाद में खाएंगे। दाल और चावल को मिक्स करके खाते हैं ना, और मिक्स किया तो अभिनंग हो गए कि नहीं हो गए। अब जब दाल चावल एक ही में मिल गए तो वो अभिनंग हो गए, यानी दोनों मिलकर एक हो गए, है ना। दाल और चावल, ध्यान देना, दाल और चावल को जब आपने मिला लिया एक में और मिला के खाते हैं, मिला के यूज करते हैं, तो दोनों पार्ट एंड पार्सल हो गए, नहीं हो गए, वो दोनों अभिन्न अंग हो गए कि नहीं हो गए। और जब अभिन्न अंग होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, ओके, ध्यान देना। तो इसी तरीके से राइस एंड पल्स, यानी दाल और चावल, इज माय फेवरेट डिश, यानी मेरा फेवरेट डिश है, मेरा सबसे मतलब पसंदीदा खाना है, ओके। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ में ही अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा तो एक एग्जांपल हम और समझा रहे हैं, ओके। देखिए, हमने कहा ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग, दो नाउन, ब्रेड और बटर अलग अलग नाउन, ओके, आर गिवन टू कस्टमर, कस्टमर को दिए गए। ब्रेड एंड बटर जब आपने कस्टमर को दिया, किसी दुकानदार ने कस्टमर, तो ब्रेड अलग पैक करके देगा और बटर अलग करके देगा, ओके, यानी दो अलग अलग चीजें हैं वहां पर, तो वहां पे यानी दो अलग अलग चीजें मिलकर ये क्या हो गया, दो हो गए ना। अब दो हो गए तो प्लूरल हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, लेकिन यहां पे इस टाइम क्या जा रहा है, सब्जेक्ट क्या जा रहा है, प्लूरल जा रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, ये प्लूरल होगा। यानी इसके हिसाब से सब्जेक्ट सॉरी ब्रेड एंड बटर आर गिवन टू कस्टमर, कस्टमर को दिया गया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और हमने कहा दूसरा है ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर मेरा ब्रेकफास्ट, नाश्ता है, यानी मैं नाश्ते में ब्रेड एंड बटर लेता हूं, ओके। तो जब आप नाश्ते में करते हैं तो क्या ब्रेड और बटर अलग अलग खाते हैं, नहीं ना, ब्रेड लेंगे उसके ऊपर बटर लगाएंगे फिर गरम करेंगे फिर साथ में खाएंगे ना, तो साथ में खाएंगे, अभिन्न अंग हो गए। जब दो नाउन अभिन्न अंग होते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, जब दो नाउन अभिन्न अंग होते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसका वर्ब सिंगुलर हो जाता है। यानी ये दो अभिन्न अंग हो गए तो ये सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया, और सिंगुलर हो गया, मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो यहां वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो गया। इसके हिसाब से ये सही है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी जा रही है और ये सिंटेक्स के पार्ट जाएंगे, कम से कम 5-6 पार्ट तक जाएंगे। अगर आप वास्तव में सिंटेक्स सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और इसके अगले पार्ट का वेट कीजिए, ओके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।